तो फटाफट इसको समअप कर लीजिए। देखिए क्या क्या चीजें हैं। पहले नंबर पे तो आपको मैंने बताया है कि एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट आपकी होना चाहिए, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। डिजिटल सिग्नेचर क्लास थर्ड आपके पास होना चाहिए, CSR 1 रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, 12A 80G और इनकम टैक्स अगर है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए जो जो चीजें हैं वो करिए, ठीक है। MSME रजिस्ट्रेशन एक होता है, एक है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस रजिस्ट्रेशन है, FSSAI रजिस्ट्रेशन है, ISO। अगर आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है, ब्रांडिंग मतलब समझते हैं ना कि आपका NGO, आपकी संस्था, आप बिल्कुल अलग दिखाई दें भीड़ में, नंबर वन पर टॉप पे, जो मैं बराबर कहता हूँ कि आपकी फाइल जाए तो सबसे ऊपर कैसे जाएगी, वो ऐसे ही जाएगी क्योंकि ब्रांडिंग होगी, आपका ISO सर्टिफिकेशन होगा तो वो फाइल से अलग होगा ना। आपको एक यूनिकनेस, आपको एक डिफरेंशिएट अपने आपको दिखाना है कि कौन कौन सी चीज है, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट, व्हाट मेक्स यू यूनिक, आपको कौन सी चीज यूनिक बनाती है। तो ISO सर्टिफिकेशन हो गया, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो गया, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई आपकी। प्लस दूसरा है, हाँ, ये ओल्ड एज होम पे अभी हम वर्क कर रहे हैं और वुमेन ओल्ड एज होम प्रोजेक्ट पे है वर्क। अगर ये कोई करना चाहता है तो बात कर सकता है हमसे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज ग्रांट इन एड, ये है, ये लैंग्वेज अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, इसमें फंड है, ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में CSR 1 हो गया, FCRA है, ये तो बड़ा महंगा हो गया FCRA, तो ठीक है, ये भी हो गया। और अभी हमने बात की थी, हाँ, ये कॉमन सर्विस सेंटर और ये स्किल डेवलपमेंट और ये सब जितने प्रोग्राम्स हैं वो, और सबसे मेन चीज हमने बताया है, आज का जो मेन थीम है, मेन टॉपिक है, वो है आपका क्या है, कमेंट में बताइए। देखिए कितने लोगों को याद है, याद है, गायब हो गया। एनजीओ दर्पण, नीति आयोग, नीति आयोग, एनजीओ दर्पण, ये रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, यही आपको करना है, इसकी यूनिक आईडी आपके पास होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके कोई पैसे नहीं पड़ते हैं, ये बिल्कुल फ्री में होता है। इसके अगर कोई पैसे मांग रहा है तो पैसे मत दीजिएगा। और ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की किट और बुक जिनको नहीं मिली है, एक CD और बहुत सारे, और आपको मेंबरशिप का लेटर और एक ग्रुप, और इंटरनेशनल लेवल पे आप इसके मेंबर हो जाएंगे, वो मैं आपके एड्रेस पे सेंड करवाता हूँ बहुत जल्दी। जिनको मिल गई है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत लोगों को मिल गई है, पूरी किट है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और जो नशा मुक्ति वाला अभियान वाला है उसमें बहुत सारा मटेरियल है, किट है, वो भी जिन लोगों को नहीं मिल पाई है तो वो लोग कमेंट करते रहेंगे, कांटेक्ट करते रहिए, मैं सबको भिजवा रहा हूँ, सारी चीजें भिजवा रहा हूँ आपके एड्रेस पे, आपके घर पे सब पहुंचेंगी। आप ये सारी चीजें लीजिए और फिर कैसे सेमिनार करना है, कैसे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना है, कैसे सारी चीजें करना है ना। तो वो प्रोजेक्ट भाई बताए तो, अभी तो बहुत सारे बताए, अभी तो सब बताए, कितने सारे प्रोजेक्ट हैं, आप अप्लाई करो ना, किसमें किसमें। अभी तो मैंने बताया ना, एक मौलाना आजाद वाला है, एक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वेबिनार ग्रांट है, ये सब न्यू के ही लिए, एक नबार्ड है, नबार्ड में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और एक वो बताया था अभी मैंने, कौन से बताया था, NSDC करके था, कौन से थे, कितने थे पीछे, वो निकल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता, उनको नोट कर लिया करिए, जब मैं बोलता हूँ तो नोट कर लिया करिए, लिख लिया करिए, है ना। हाँ, जो, और इसको रिकॉर्डिंग को मुझसे ले लिया करिए, तो वो आपको बार बार जब इसको आप, ये रिकॉर्डिंग होती है ना, तो इसको जब बार बार आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ, तो इसलिए जो है ये रिकॉर्डिंग्स आपके पास होंगी तो आप बार बार आगे पीछे करके इसको समझ लेंगे क्या है क्या नहीं, है ना, तो भूलेंगे नहीं कुछ नहीं। ठीक है, ठीक, आज के लिए इतने, क्योंकि वर्क बहुत रहता है तो काम करते करते हालत खराब रहती है। देखिए जो जो चीजें हैं इनको समझ लीजिए, एक तो मेंबरशिप्स हैं आपके, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग है, फॉर्मेशन है, एनजीओ सेक्शन है, एनजीओ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, CSR ग्रांट्स हैं, ब्रांडिंग है, और आपका एनुअल कंप्लायंस है, एनुअल के आपको क्या क्या चीजें करना है। हाँ, ये लॉ वाला जो भी है, तो आप लोग फोन कर लिया करिए ना, जैसे मैंने आप बात की, अब ये सारी चीजें मैंने आपको दे दी, अब आप यहाँ पे अपना माइंड चलाया करिए कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। जब अपना माइंड चलाएंगे यहाँ से, एक एक आइडिया, एक विजन मिलता है, एक डेली डेली एक कनेक्शन होता है, एक एक ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, कहीं पे भी कोई भी हेल्प है किसी तरीके की कुछ है तो उसके लिए मैं हूँ, ठीक है, ठीक। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, और जहाँ कहीं पे भी हेल्प की जरूरत है करिए एक दूसरे की हेल्प, जो कुछ है आपके पास वो दीजिए दूसरों को, बांटने से चीजें बढ़ती हैं। हाँ, मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ, टाइमिंग का थोड़ा सा इश्यू है, लेकिन आप कंटिन्यू करते रहा कीजिए, मतलब जैसे कंटिन्यू, ये नहीं कि एक ही दम से मतलब कर रहे हैं,
कंटिन्यू का मतलब ये है कि जैसे सुबह की, दोपहर की, फिर शाम में कर ली, क्योंकि हो सकता है मैं सुबह सुबह बिजी हूँ तो शाम को रिसीव कर सकता हूँ, शाम में बिजी हूँ तो दिन में। तो ये है कि आप एक ही टाइम पे 10 कॉल मत करिए। फोन अगर रिसीव पिकअप होना होगा तो एक बार में होगा, एक बार में, क्योंकि मैं कभी ऐसा हूँ कि अधिकारी के पास बैठा हूँ, कभी ऐसी जगह हूँ, कहीं मीटिंग में हूँ, कहीं कुछ हूँ, है ना, तो क्या होता है कि फोन चाह के भी मैं रिसीव नहीं कर पाता। मैं अपने घर वालों के फोन नहीं रिसीव कर पाता हूँ, क्योंकि मीटिंग चल रही है, ऑफिसर के साथ में, अधिकारी के साथ में हूँ, कहीं बैठा हूँ, कहीं कुछ है, तो वहां पे नहीं। तो क्या है कि आप बेसुरे टाइम कॉल करिए, मतलब बदल बदल के टाइमिंग, तो किसी ना किसी टाइम तो उठेगा ना, जो दरवाजा खटखटाते रहते हैं, नॉक करते रहते हो, कभी ना कभी तो खुलता है, तो दरवाजा खटखटाना बंद मत करा कीजिए, रिजेक्शन से मत डरा कीजिए, रिजेक्ट हो जाएंगे। ज्यादा सोचा भी मत करिए कि इस टाइम खाना खा रहे होंगे, इस टाइम कहाँ होंगे, जब मन करे तब कॉल कर दीजिए, रिसीव होना होगा हो जाएगा, क्योंकि उसमें गोली थोड़ी ना निकलती है, फोन में इतना डरना नहीं है, लेकिन लगातार नहीं करना है। हाँ जी, हाँ जी, है ना, ये नहीं कि एक ही दम से हमारा 10-10, 20-20 कॉल तुरंत एक ही टाइम में, और दोबारा फिर सन्नाटा छा गया, फिर पूरे दिन कोई कॉल नहीं, जब फ्री हो गया हूँ तो, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो बैक कॉल कर पाना मुश्किल होता है सबको। करता हूँ मैं थोड़ा बहुत, जो नंबर सेव है मेरे पास, जो परमानेंट है नंबर, उनको मैं कर लेता हूँ बैक कॉल, लेकिन ज्यादातर सबको रिप्लाई कर पाना मुश्किल है। आप बिलीव नहीं मानेंगे, बहुत बहुत कॉल आती है डेली, कहीं यूट्यूब से आ रही है, कहीं चैनल से आ रही है, कहीं विभागों से आती है, बहुत सारी कॉल्स रहती हैं, तो इसीलिए मैं बात भी नहीं कर पाता, है ना। और फिर वर्क भी, अपना भी काम रहता है बहुत सारा, आप खुद जानते हैं, परिवार वाला आदमी जंगल में तो रहता नहीं, तो बहुत सारी चीजें हैं करना पड़ती हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, कोशिश यही रहा करिए कि आ जाए करिए थोड़ी देर का टाइम, 10-5 मिनट का। ठीक, धन्यवाद, ओके, टाटा।